बड़े बच्चे, मेरे एक दोस्त की वाइफ ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं बहुत परेशान, मेरा रिलेशनशिप मेरी बेटी के साथ सही नहीं है। अब वो 13 साल की हो गई है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि हम एक दूसरे से एक दो लाइन से ज्यादा बात ही नहीं कर पाते, चिल्ला देते हैं और वो थोड़ा ऊंचा बात करती है और फिर मैं भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरा भी पारा हाई हो जाता है, मैं भी चिल्ला देती हूँ और ये हर रोज हो रहा है। जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि बड़े बच्चों पर मैं पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि अगर छोटे बच्चों के बारे में सीखना है तो बड़े बच्चों की बात करनी पड़ेगी, वरना हमारी पेरेंटिंग सही हो रही है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें अपने छोटे बच्चों को बड़ा होने का इंतजार करना पड़ेगा। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बड़े बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्त की वाइफ ने कहा कि मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, जैसे कि मेरी बेटी टेनिस खेल के आई है तो उसका रैकेट बाहर ही पड़ा है, मैंने उसे एक बार बोला अंदर रख दो, नहीं हुआ, फिर 1 घंटे बाद फिर से बोला अंदर रख दो, तो देखा कि रैकेट अंदर रख दिया लेकिन कवर बाहर ही है, तो अब मैं क्या करूं ऐसे केस में, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं। रात के 9 बजे वो रूम में बैठ के आईपैड देख रही है कि दोस्त से बात करे जा रही है, गाने सुन रही है और मुझे पता है कि उसका होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, तो मैं पूछती हूं कि क्या कर रही हो तुम, तो सुनने को मिलता है मुझे म्यूजिक सुनने दो, आप दरवाजा बंद कर दो। तो मैंने अपने दोस्त की वाइफ से पूछा कि आपकी बेटी इस बारे में क्या बोलती है, आपने उससे बात की, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो बोलती है मम्मा आप हमेशा डांटने में लगी रहती हो, यू नो आपको मेरी हर बात ही गलत लगती है और जब मैं आसपास होती हूँ तो होमवर्क के लिए आप पहले ताना क्यों देती हो, यू नो खाली मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती। तो इस पर भी हमारा झगड़ा हो जाता है। फिर मेरी दोस्त ने एक पॉइंट बताया जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि रिलेशनशिप माँ और बेटी का अभी भी स्ट्रांग है। मदर सेड के वो और किसी से ऐसे बात नहीं करती, बाकी सबसे अच्छे से बात करती है, बस खाली मेरे से ही चिल्ला के बात कर रही है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक रिलेशनशिप है जो कि टीनेजर को सेफ लगता है कि इस रिलेशनशिप में चिल्लाया जा सकता है। अगर वो दोस्तों पे चिल्लाएगी तो वो भाग जाएंगे, लेकिन उसको पता है कि मेरी मम्मी मेरे पास रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तो मैंने अपनी दोस्त की वाइफ से पूछा कि आपने क्या किया है अभी तक, तो उसने बताया कि मैंने एक चेंज किया है कि जब मैं चिल्लाने का माहौल बन जाता है, मुझे लगता है कि अब चिल्लाना होने वाला है, तो मैं चली जाती हूँ वहां से ताकि मैं चिल्लाऊं ना अपनी बेटी पर। तो एक्चुअली एक अच्छा तरीका है सिचुएशन को टेम्पररी कंट्रोल करने का, यू नो इम्पोर्टेंट तरीका है टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द रिलेशनशिप, बट इससे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो तनाव आ गया है वो ठीक नहीं होगा। तो वो कैसे ठीक होगा, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि हम एक टीनेजर को समझें, उसके दिमाग को समझें, क्योंकि हमारे ब्रेन में खाली 2 बार एक्सट्रीम डेवलपमेंट होता है, पहला 2 साल की उम्र में होता है और दूसरा एडोलेसेंस में होता है, मतलब कि अराउंड लगभग 12 साल की उम्र में, इनको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो एडोलेसेंस आने पे द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट शुड बी के वापस टेरेबल 2s का पीरियड आएगा, यू नो वैसे ही हरकतें शुरू हो जाएंगी जो बच्चा तब करता था, बस इस बार वो हमें क्यूट नहीं लगेंगे। यू नो चाइल्ड साइकोथेरेपिस्ट नुकर पावा जो कि फैमिली ट्री क्लिनिक की फाउंडर है, उनका कहना है कि इस टाइम पे बच्चे अपने दोस्तों को पेरेंट से ज्यादा प्रेफर करने लगते हैं। तो जब बच्चा मान लीजिए 6 साल का होता है तो वो पेरेंट से फिजिकली सेपरेट होने लगता है, उसको समझ में आता है कि उसका अस्तित्व अलग है, दूसरों के साथ खेलने लगता है, लेकिन मन से वो माता पिता के साथ जुड़ा होता है। लेकिन 12 साल की उम्र में ये मन का कनेक्शन अब दोस्तों की तरफ जाने लगता है, इसलिए बच्चे अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा फिक्र करने लगते हैं और बटन ढूंढने लगते हैं जिससे दबा के माँ बाप उत्तेजित हो जाए। बच्चों की आंखों से देखें तो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं लीडिंग अप टू दीज अप्स एंड डाउन्स इन इमोशंस, और पेरेंट्स को बच्चों की बातों से शौक लगता है, लेकिन सच तो ये है कि बच्चा खुद भी शौक में है, बिकॉज दे कांट रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर वो आपसे आर्ग्यू कर पा रहा है देन इट्स अ साइन ऑफ ट्रस्ट, इट्स अ गुड साइन। अब अगर बच्चों में इतना चेंज हो रहा है तो माँ बाप को भी चेंज लाना होगा। तो हम
पेरेंट्स अपने बड़े बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं मेरी फ्रेंड के पास। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि आपने अपनी बेटी को बताया अपनी फीलिंग्स के बारे में कि आपको कैसा फील हो रहा है? उसने बोला नहीं। तो ये हमारा पहला कदम है कि हम अपने बच्चों के साथ जो कि अब बड़ा हो गया है उनके साथ बैठ के उनका हाथ पकड़ के उनकी आंख में आंख डाल के ये बोल सकें कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारी लड़ाई होती है, मुझे बहुत दुख होता है और ये सच है कि हमें दुख होता है, इसलिए मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं दूसरे रूम में चली आती हूँ, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, बट इसलिए क्योंकि मैं तुम पे चिल्लाना नहीं चाहती हूँ। मेरे लिए हमारा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आई एम सॉरी क्योंकि मेरे कारण तुम्हारा दिल दुखा है। ये बात बच्चे को पता होनी चाहिए, ये पता होनी जरूरी है दैट माई मॉम लव्स मी एंड शी केयर्स। और इम्पोर्टेंट ये है कि बिना किसी बट के ये नहीं कहना कि मैं चिल्लाती हूँ क्योंकि तुम ऐसा बिहेव करती हो। हमें सिर्फ अपने बिहेवियर के बारे में बात करनी है। अब दूसरी बात है अपना बिहेवियर चेंज करने की, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये मुश्किल काम है, यू नो, आसान नहीं। तो इसको करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन सब में समय और एफर्ट लगता है। और मुझे पर्सनली मेडिटेशन से बहुत फायदा हुआ है टू थिंक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम दी अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। यू नो, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, ऐप से कर लीजिए, विपसना कर लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग कर लीजिए या ईशा फाउंडेशन का इनर इंजीनियरिंग कोर्स कर लीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। तीसरा एक चीज जो हम खुद से कर सकते हैं वो ये कि हम बैठ के अपने दिमाग में जो सिचुएशन हमें ट्रिगर करती है उसको बार बार सोच सकते हैं, और सोचते हुए गुस्सा होने की जगह इमेजिन कर सकते हैं कि हम क्या सही चीज बोलेंगे, क्या करेंगे। इससे व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ न्यू न्यूरल पाथवे इन आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन एक तरह से सेटअप है कि कुछ होता है तो हमें गुस्सा आता है, हम उसको दूसरी तरीके से सोचने पे बार बार मजबूर करेंगे ताकि एक्चुअल सिचुएशन को हम बेटर हैंडल कर पाए। और ये आप इमिजिएटली कर सकते हैं, यू नो। और चौथा, अपने बच्चे को समझें कि वो भी स्ट्रगल कर रहा है, यू नो, बहुत सारी चीजों को जाने दें। टेरेस के रैकेट से ज्यादा जरूरी है आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ। बात बच्चे से तब करें जब वो अच्छे से सो के खाना खा के बैठा है, तो सक्सेस का चांस ज्यादा है। और फाइनली अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको इंटरप्ट ना करें, यू नो, वो कोई ऐसी चीज बोल सके जो आपको पसंद ना हो तो बोलने दीजिए, उसकी अंदर की फीलिंग्स को निकलने दीजिए। ये बड़े बच्चों के लिए जरूरी है। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या आप दोनों नीचे कभी इकट्ठे वॉक करने के लिए जाते हो? तो बोली कि मैंने पूछा था, लेकिन मेरी बेटी बोली कि मैं जाऊंगी लेकिन अलग से चलूंगी, तो मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया। मेरे ख्याल से ये वॉक जरूरी है। आज बेटी थोड़ी अलग चलेगी लेकिन एक महीने में साथ भी चल सकती है। एक बार उसको एक्सपीरियंस हो गया कि मेरी मॉम भी कूल है, लेकिन उसके लिए शुरुआत जरूरी है। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं, आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूं।